मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। तीन लड़कों ने करीब 10 से 15 गाड़ियों में रात के समय तोड़फोड़ की है। मामला उल्लासनगर का है। पहले लड़कों में किसी बात को लेकर स्कूल में ये विवाद हुआ था और उसी वजह से एक लड़के ने अपने दो और साथियों के साथ मिलकर रात के समय लोहे की रॉड से कई गाड़ियों में तीनों लड़कों ने तोड़फोड़ किया है। CCTV में आप देख सकते हैं कि रास्ते के किनारे खड़ी 4-व्हीलर, 2-व्हीलर और ऑटो रिक्शा में ये तीनों लड़के तोड़फोड़ कर रहे हैं। उल्लासनगर मध्यवर्ती पुलिस ने मामला दर्ज कर एक लड़के को हिरासत में भी लिया है। सीनियर PI मधुकर कर्ण ने इस पूरे मामले में क्या जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। 15/5/2023 को सवेरे 3:30 से 4 बजे के दरमियान तीन अज्ञात लोगों ने 9 4-व्हीलर, 1 रिक्शा और 4 2-व्हीलर के लोखंडी घर से तोड़फोड़ की है। उस बारे में हमने सब अधिकारियों ने जब पता चला तब वहाँ विजिट की, वहाँ से आरोपी का पता निकाला। पहले फिरे भी हम लोगों ने ढूंढा, फिर वहाँ जानकारी ऐसी मिली कि 12 तारीख को दो छोटे बच्चों का स्कूल में झगड़ा हुआ था और उनके आपस में अनबन जो हुई थी उसके ऊपर से एक लड़के ने कुछ बाहर के लड़के लाया और उसमें से ये आज तोड़फोड़ किया था। हमने उसमें फिरैदी के कहने से गुना दाखिल किया है और आगे की कार्रवाई चालू है। उसमें से एक जो ऑर्गेनाइजर ये क्राइम किया था उसने, उसको ताबे में लिया है। आगे हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं।